हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम बताते हैं कि आप अपने आधार से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके आधार से कौन सा खाता लिंक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार की ऑफिशियल साइट पर चले आना है। उसके बाद आधार माई आधार पे क्लिक करके आधार सर्विसेज पर आना और यहाँ सबसे नीचे आके देखना बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी साइट अभी खुल नहीं रही है, यहाँ पर हमको रिडायरेक्ट कर दे रही है। तो हमें एक दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर रखा है ना अपने पास, और यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही तो हमारी साइट इस तरह से खुल जाएगी। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे, हम अपना अपना आधार नंबर डाल रहे हैं, आप अपना आधार नंबर डाल देना। उसके बाद नीचे कैप्चे को फिल कर देना। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, मेरी ओटीपी आ गई है, मैं ओटीपी को फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम लॉगिन कर चुके हैं अपने आधार को। आप भी अपने आधार को इसी तरह से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना आधार डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पीवीसी कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस है, हम इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा स्क्रीन पर ये दिखाई देगा आधार नंबर। तो हमारा आधार नंबर 4 डिजिट दिखाई देगा और कौन सा खाता हमारे आधार से लिंक है ये भी दिखाई देगा, एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है ये भी दिखाई देगा। तो आप इस तरीक़े से अपने आधार के से लिंक बैंक अकाउंट को आसानी से देख सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।